गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बायो ऑयल को यूज़ करने का तरीका बताऊंगी, जिससे कि आपके चेहरे पर से सारे डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन यानी कि झाइयों की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये घरेलू तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी वर्क करता है। आपके चेहरे पर से दाग धब्बे, झाइयाँ या किसी भी प्रकार के निशान आपके चेहरे और बॉडी पर से हटाने के लिए ये घरेलू नुस्खा आपके चेहरे को बेदाग बनाने के साथ साथ उसको बहुत ज्यादा गोरा और निखरा हुआ भी बनाता है और आपके चेहरे पर एक बहुत ही बेहतरीन ग्लो लाता है। और बायो ऑयल के अलावा जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो आपको घर में ही अपने किचन में ही मिल जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो इस 100% इफेक्टिव होम रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बायो ऑयल, उसके बाद आपको चाहिए एलोवेरा जेल, और यहाँ पर मैं रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, बट अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो आप उसमें से भी जेल निकाल कर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए शहद यानी कि हनी, फिर हमें चाहिए टमाटर का रस, लास्ट में हमें चाहिए हल्दी का पाउडर। तो चलिए अब देखते हैं कि इस घरेलू नुस्खे को कैसे बनाया जाए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में 1 चम्मच टमाटर का रस लेना है, उसके बाद आपको टमाटर के रस के अंदर 1/2 चम्मच शहद डालना है यानी कि हनी डालना है, शहद डालने के बाद आपको इसके अंदर 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है, फिर आपको इसके अंदर 1/2 चम्मच बायो ऑयल डालना है, और बायो ऑयल डालने के बाद आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए और ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिल जाए। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डालना है, और हल्दी का पाउडर डालने के बाद आपको फिर से इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बने। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका एक घरेलू नुस्खा जो कि 100% इफेक्टिव है आपके चेहरे पर से दाग धब्बे और झाइयों को हटाने के लिए वो रेडी है। और ये कुछ इस तरह दिखेगा। इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा थिक, और वो कुछ इस तरह दिखना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस होम रेमेडी को कैसे यूज़ करना है बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस होम रेमेडी को यूज़ करना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ एक छोटी सी कॉटन बॉल लेनी है और फिर उसको इस पेस्ट में डिप करना है, और जो भी एक्स्ट्रा है वो आप निचोड़ कर स्क्वीज करके निकाल दीजिए। और फिर आपको इस पेस्ट को उन एरियाज पे लगाना है जहाँ जहाँ पर आपको डार्क स्पॉट्स हैं या झाइयों की प्रॉब्लम है, वहाँ वहाँ पर ये पेस्ट अच्छे से लगाइए और इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसको गुनगुने पानी से धोकर अपनी स्किन को पाउडर मॉइस्चराइज कर लीजिए। और याद रखिए कि इस पेस्ट को लगाकर आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है। और अगर आपको इस होम रेमेडी से बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आपको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार लगानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोस की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।